हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ अलग करने जा रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं हैमर सोलो 3.0 की। और ये एक ईयरबड्स है और आप लोग इसकी पैकेजिंग से देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम लिए लग रहा है। और इसके प्राइस रेंज में ये वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड्स हैं। तो ये सोलो वेरिएंट है, मतलब कि इनको आप अलग अलग करके भी यूज़ कर सकते हैं दोनों ईयरबड्स को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी एक अच्छी सी अनबॉक्सिंग दिखाने जा रहा हूँ, साथ साथ मैं रिव्यू भी करूँगा कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है और इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो गाइज, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छे से मैंने इसकी अनबॉक्सिंग पे वीडियो बनाई है, काफ़ी मेहनत की है मैंने। तो गाइज, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइज, ये रहा हम लोग का हैमर सोलो 3.0 का पैकेट। और इसके पैकेट की तरफ आप लोग पहली नज़र डालेंगे तो काफ़ी प्रीमियम तरीके से इसको बिल्ड किया गया है। इसमें आपको मैग्नेटिक यहाँ पे स्ट्रैप्स मिलते हैं, तो इसको ओपन करने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इसके आउटर पैकेजिंग के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है हैमर सोलो 3.0 और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्लूटूथ 5.0 पे ये बिल्ड है। वर्किंग डिस्टेंस 10 मीटर्स है। चार्जिंग केस चार्जिंग टाइम जो इसका है वह 1 से 2 आवर्स और चार्जिंग केस इसका 400 mAh का है। तो गाइज, ये इसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, तो ये आप लोग इसका पैकेट देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको सबसे पहले ओपन करते हैं। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पे आपको हैमर कंपनी का 2 ईयरबड्स और एक चार्जिंग केस दिखाई देगा। तो इसके बाद आप लोग इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं शायद। हाँ, यहाँ पे आपको एक स्ट्रैप दिख जाएगा पन्नी का, तो इसको हम लोग कट करना पड़ेगा। चलिए हम लोग इसको कट करते हैं। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको कट करना पड़ेगा। हम लोग चलिए आराम से इसको कट कर लेते हैं। यहाँ हम लोग ने कट कर लिया और इसके बाद चलिए हम लोग इसको सबसे पहले यहाँ से ओपन करते हैं वापस से, और इसके बाद हम लोग ओपन करते हैं इसको यहाँ से। तो जैसे आप इसको यहाँ से ओपन कर, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको ओपन कर लिया। चलिए हम लोग इसके अंदर के कंटेंट्स को ऐसे बाहर निकालते हैं, और जैसे आप लोग बाहर निकालेंगे, चलिए हम लोग इस साइड से निकालते हैं, और यहाँ पे आपको दिखेगा हैमर कंपनी का एक काफ़ी अच्छे और प्रीमियम तरीके से बिल्ड 2 ईयरपॉड्स और एक चार्जिंग केबल। और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी गई है इसके पैकेट को भी, काफ़ी प्रीमियम लगता है। अनबॉक्सिंग करने में बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, क्योंकि इसकी पैकेजिंग जो काफ़ी अलग है बाकी सारे स्पीकर कंपनीज से। तो चलिए हम लोग इसको अब हम लोग साइड पर रखते हैं और हम लोग अब इस पर ध्यान देते हैं। पीछे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक कवर दिया गया है, इसको हम लोग ओपन करना पड़ेगा। दोस्तों, स्पीकर को बाहर निकालने से पहले चलिए हम लोग इसके अंदर के कंटेंट्स को देख लेते हैं क्या दिया गया है हम लोग को अंदर। सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक दो चीज़ें आपको मिलेंगी। एक है फ्री 2 मंथ्स की एक्सटेंडेड वारंटी और वारंटी रजिस्ट्रेशन वेलकम। तो ये दो कूपन कार्ड्स हैं जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम लोग उसको साइड पर रखते हैं। ये आप लोगों को इसका एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाएगा, इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं आसानी से। चलिए हम लोग इसको भी साइड में रखते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ मिल जाएगी जो है कि USB, ये आपको टाइप सी नहीं मिलेगा, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसको चार्ज करने के लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इससे भी आप लोगों का काम चल जाएगा। इसको भी चलिए हम लोग साइड में रखते हैं। और ये आपको दो अलग एक ईयर टिप्स मिल जाएंगी जिसको आप अपने कान के ईयर साइज़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम लोग इन सारी चीज़ों को साइड पर रखते हैं और अब हम लोग अपना निकालते हैं बाहर अपने ईयरपॉड्स को। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं ये है इसका चार्जिंग केबल, काफ़ी अच्छे से इसको बिल्ड किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे आप लोग इन डेटा केबल से इसको चार्ज कर सकते हैं। फिर आप लोग अंदर देखेंगे तो अंदर यहाँ पे आपको 2 मैग्नेटिक केबल्स दिए गए हैं जिनसे आप लोग अपने ईयरपॉड्स को चार्ज कर पाएंगे, और ये भी एक मैग्नेटिक तरीके से क्लोज होता है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग बाहर निकालते हैं अपने ईयरपॉड्स को। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग का पहला ईयरपॉड। अब चलिए हम लोग निकालते हैं दूसरे ईयरपॉड को। गाइज, ये दोनों हो गए, अब हम लोग चलिए इसको साइड पर रख देते हैं। तो गाइज, अब आप लोग इन दोनों ईयरपॉड्स को पास से देख सकते हैं। गाइज, ये हैं वो ईयरपॉड्स, और यहाँ पे आपको एक टच कंट्रोल मिलता है जो आप जिससे आप लोग सॉन्ग को आगे पीछे कर सकते हैं या फिर पॉज एंड प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हैमर की ब्रांडिंग दी गई है, ये 2 मैग्नेटिक पॉइंट दिए गए हैं जिसकी मदद से आप लोग अपने ईयरपॉड्स को चार्जिंग केस में वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी होता है इसको कैरी अराउंड करना, क्योंकि बस आपको अपने ईयरपॉड्स को अपने चार्जिंग केस में डालना है और ये अपने आप चार्ज भी होते रहेंगे, आप लोग आसानी से इसको कैरी भी कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक सोलो वेरियंट है, इसका मतलब आप लोग किसी एक ईयरपॉड को भी सिंगल यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन के साथ, और अगर आप चाहें तो दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक ईयरपॉड को अपने फ़ोन से कनेक्ट किया है और मैं सिर्फ अपने एक ईयर में इसको यूज कर सकता हूं। दूसरे वाले को कनेक्ट करना है तो बस दूसरे वाले ईयरपॉड को ऑन करूंगा और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं दोनों ईयरपॉड को यूज कर पाऊंगा।
सो गाइज, मैं हैमर सोलो 3.0 को लगभग 2 दिन से यूज कर रहा हूँ और इसका सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे लगा वो ये है नॉइस कैंसिलेशन। अगर मैं फुल वॉल्यूम पे कोई गाना सुन रहा हूँ तो मेरे अगर मान लीजिए बगल में भी कोई मेरा नाम बुला रहा है या फिर कुछ बोल रहा है, बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। मतलब लगभग समझ लीजिए कि 100% इसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन मिलेगा, हल्की सी भी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। बाहर जो आप गाना सुन रहे हैं आपको वही से सुनाई देगा, आसपास के सराउंडिंग में जो भी नॉइज़ है उससे आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो। जो हैमर सोलो 3.0 है वो अगर आप लोग यूज़ भी करेंगे, अपने कानों में लगाएंगे तो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। जो उसका प्रीमियम डिज़ाइन है उसको दिखने में और अच्छा बनाता है। और ये जो ईयर्स में काफ़ी अच्छे से फिट होता है, अगर आप हल्का ऊपर नीचे खेलते हुए पहने या जॉगिंग करते समय, फिर भी ये हल्का सा भी लूज नहीं होगा, एकदम परफेक्ट आपके कानों में बैठता है। इसका जो सबसे तीसरा सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा वो है टच। इसके अगर आप सेंटर में अगर आप इसको टच करेंगे तो जो सॉन्ग प्ले हो रहा है वो आपका पॉज हो जाएगा और फिर से टच करेंगे तो वो आपका प्ले हो जाएगा। तो इससे मतलब कि आपको कोई बटन नहीं मिलती है, ये टच स्क्रीन टाइप का है, बस आपको एक सिंगल टच करना पड़ेगा और वो आपका सॉन्ग जो है वो प्ले पॉज आप कर पाएंगे। और इसका मैं एक एक्स्ट्रा बोनस फीचर बता दूं कि इसका जो वेट है काफ़ी लाइट वेट है, आपको लगेगा नहीं कि आप कुछ अपने ईयर्स में ईयरबड्स लगाए हैं, काफ़ी लाइट वेट ये है तो आपको कुछ ज़्यादा फील नहीं होगा हैवी कि आपने अपने कानों में कुछ लगाया है। तो गाइस ओवरऑल ये वन ऑफ द बेस्ट मुझे ईयरबड लगा हैमर सोलो 3.0, और इसका वाइट कलर मुझे सबसे ज़्यादा प्रीमियम लगता है। तो अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो 2 वेरिएंट्स हैं, एक है ब्लैक और दूसरा है वाइट। मुझे वाइट ज़्यादा पसंद है, आप लोग चाहे तो ब्लैक को भी ले सकते हैं। इसकी जो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी अमेज़ॉन की लिंक दे दी है, आप लोग अमेज़ॉन में जाके इसको आसानी से बाय कर सकते हैं। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम में मेरे 20K फॉलोअर्स हो आप लोग करा दीजिए। और जनवरी के एंड तक मैं चाहता हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम पे 20K फॉलोअर्स हो जाएं। तो गाइस तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।